हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8th की अभ्यास है 9B, सब्जेक्ट है मैथ। तो अभ्यास 9B में हमारे पास पहला प्रश्न है। देखो, चित्र 15 में चतुर्भुज ABCD का प्रत्येक कोण समकोण है। सत्यापित कीजिए कि AB समांतर है CD के और AD समांतर है BC के। ठीक है, ये चीज़ हमें सत्यापित करनी है। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, देखो। तो देखो किस तरह से करेंगे हम। प्रश्न में सबसे पहले हमने ये फिगर बना लिया, ठीक है। प्रत्येक कोण क्या है? समकोण। देखो हल करेंगे, चतुर्भुज ABCD का प्रत्येक कोण समकोण है। यहां लिखेंगे समकोण है, समकोण है प्रत्येक कोण। ठीक है, प्रत्येक कोण चतुर्भुज ABCD का, चतुर्भुज ABCD का। ठीक है, उसके बाद देखो एंगल A है जो वो क्या है, 90 डिग्री। एंगल B क्या है, 90 डिग्री। एंगल C भी 90 डिग्री और एंगल D 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें इस चतुर्भुज में एंगल D और एंगल A कितने हो जाएंगे, 180। देखो एंगल D प्लस एंगल A क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90 कितने हो गए, 180। ठीक है, 180 डिग्री हो गए। उसके बाद अंतःकोणों का योग 180 है। अंतःकोणों का योग 180 है। ठीक है, इस तरह से हम लिख लेंगे। उसके बाद अतः क्या लिखेंगे, AB समांतर है DC के। ठीक है, AB समांतर है DC के। इसी प्रकार ये तो हमने एंगल D और एंगल A का किया था, इसके बाद करेंगे हम एंगल D प्लस एंगल C का। एंगल D प्लस एंगल C कितने हो गए, ये भी 180 होंगे, 90 प्लस 90। ठीक है, ये इसे भी इसी तरह लिख देंगे, एंगल D समांतर है BC के, वो AD समांतर है BC के। ठीक है, बस इसी तरह से लिखना है। उसके बाद करेंगे हम दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, पार्श्व चित्र में दो रेखाएं L और M जिसे एक तिर्यक रेखा T बिंदुओं P और Q पर काटती है। यदि एंगल 2 इक्वल एंगल 3 इक्वल 90 डिग्री तो सत्यापित कीजिए कि रेखाएं L और M परस्पर समांतर हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 3 का मान कितना होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हम ये फिगर बनाएंगे, ठीक है, इस तरह जो प्रश्न में दे रखा है। देखो ये T है, ये P है, ये L, ये M, ये L, ठीक है, ये समकोण है यहाँ पर। तो देखो किस तरह करेंगे, प्रश्न में क्या दे रखा है कि एंगल 2 है जो वो एंगल 3 के बराबर है। एंगल 2 बराबर एंगल 3 इक्वल 90 डिग्री, ये प्रश्न में दे रखा है। उसके बाद देखो एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल क्या होगा, 180। कितने होंगे, 180। तो देखो एंगल 2 का मान क्या है, 90 डिग्री, यहाँ पे 90 लिखेंगे, प्लस एंगल 1 इक्वल 180। उसके बाद एंगल 1 का मान क्या आएगा, 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, ये 90। ठीक है, तो एंगल 1 का मान आ गया हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर हैं, रेखा L और M परस्पर समांतर हैं, रेखा L और
एम परस्पर समांतर हैं। ठीक है, उसके बाद देखो एंगल वन प्लस एंगल थ्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री यही आंसर है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है हमारे पास, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए डी समांतर है बी सी के, रेखाखंड बी एल और सी एम रेखा ए डी पर लंब है, दिखाइए कि बी एल समांतर है सी एम, यदि बी सी इक्वल बी एल तो दिखाइए कि बी सी एम एल एक वर्ग है। ठीक है, किस तरह से दिखाना है देखो, तो देखो सबसे पहले ये फिगर बनाया हमने। ठीक है, बी सी समांतर है एल एम के, और हमें इस क्वेश्चन में बताना क्या है, बताना ये है हमें कि बी सी एम एल एक वर्ग है, ये सिद्ध करना है। तो देखो किस तरह करेंगे, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर डी सी कॉमा बी सी बराबर एल एम। ठीक है, इसी तरह है प्रश्न, दो बिंदु बी और सी से रेखा, दो बिंदु बी और सी से रेखा एडी पर लंब, एडी पर लंब बी एल और सी एम है। ठीक है, उसके बाद एंगल एल और एंगल एम समकोण हैं। ठीक, दोनों कोण संगत कोण हैं क्योंकि दोनों कोण संगत कोण हैं। ठीक है, और बराबर हैं, और बराबर हैं। बी एल समांतर है सी एम के, यदि बी सी बराबर बी एल, यदि बी सी बराबर बी एल तथा रेखा बी सी पर लंब, तथा रेखा बी सी पर लंब बी एल और सी एम है, बी एल और सी एम हैं, बी एल और सी एम है, बी सी बराबर बी एल, यहाँ पे लिखेंगे बी सी बराबर बी एल बराबर एल एम बराबर सी एम। ठीक है, एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल एल और इक्वल एल एंगल एम, इक्वल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। प्रूफ हो गया हमारा बी सी एम एल एक वर्ग है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः बी सी एम एल एक वर्ग है। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री के होंगे तो वर्ग के अंदर सभी एंगल इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी सी डी एक वर्ग है तथा एल एम एन और ओ क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी तथा डी ए के मध्य बिंदु हैं, कोण तथा भुजाएं नाप कर देखिए कि आकृति एल एम एन ओ भी एक वर्ग है। ठीक है, सबसे पहले हम ये फिगर बनाएंगे,
तो देखो फोर्थ क्वेश्चन को किस तरह करेंगे हम, ये फिगर इस तरह से बना लिया है, वर्ग के अंदर चतुर्भुज, ठीक है, ये ए है, बी है, सी, डी, उसके बाद ये एल, एम, एन, ओ, ठीक है। तो देखो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम हेडिंग मतलब कि कुछ एक नोट डाल लेते हैं, रचना, ठीक है, यहाँ पे लिख डाल लेंगे रचना। रचना हम किस तरह से करेंगे, देखो रचना डालकर इसमें हम लिखेंगे, सर्वप्रथम ए बी सी डी एक वर्ग बनाया, क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम ए बी सी डी एक वर्ग बनाया, ठीक है, वर्ग बनाया, सर्वप्रथम ए बी सी डी एक वर्ग बनाया, ए बी बी सी सी डी और डी ए, ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद के मध्य बिंदु क्रम से, के मध्य बिंदु क्रम से, मध्य बिंदु क्रम से क्या है, देखो एल एम एन ओ है, क्या है, एल एम एन और ओ लिए, ठीक है, ये पॉइंट डाल लिया। उसके बाद देखो मापने पर, यहाँ पे लिखेंगे मापने पर, मापने पर ओ एल इक्वल ओ एन इक्वल एन एम इक्वल एम एल, ठीक है, तथा एंगल एल इक्वल एंगल ओ इक्वल एंगल एन और ये इक्वल एंगल एम, किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल, अतः एल एम एन ओ एक वर्ग है, क्या लिखेंगे, अतः एल एम एन ओ एक वर्ग है, ठीक है, इस तरह से कर देंगे, हो गया फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, कैसे करेंगे देखो। पांचवा प्रश्न है हमारे पास, देखो त्रिभुज एबीसी में कोण बी एक समकोण है, एम भुजा एसी का मध्य बिंदु है और एम से एबी पर एमएल लंब खींचा गया है, यदि एमएन भुजा बीसी पर लंब है तो दिखाइए कि आकृति एलएमएन बी एक आयत है, ठीक है, किस तरह से दिखाएंगे। तो पांचवें प्रश्न को किस तरह करेंगे हम, देखो ये फिगर बना लिया हमने, ये हमारे पास एंगल ए है, ये बी, ये सी, ये एल एम और एन, ठीक है, एन क्या है, समकोण, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे देखो। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में एल एबी का मध्य बिंदु, एबी का मध्य बिंदु तथा एम एसी का मध्य बिंदु है, एसी का मध्य बिंदु है, ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद एंगल बी 90 डिग्री तथा एंगल एन 90 डिग्री, एल एम बराबर, एल एम बराबर एक बटे दो बी सी, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, बराबर बी एन, ठीक है। उसके बाद देखो एल एम समांतर है किसके, बी सी के, आगे एम एन इक्वल एक बटे दो ए बी इक्वल बी एल, ठीक है। उसके बाद एम एन समांतर है ए बी के, अब हम लिख सकते हैं, अतः है एक एल एम एन बी आयत है, ठीक है, अतः एक एल एम
एन बी आयत है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फिर से नंबर छः, देखो पार्श्व चित्र में L समांतर है M की, P पर लंबवत है M और P लंबवत है N, तो देखो फर्स्ट में क्या M समांतर है N, क्यों? सेकंड है क्या N समांतर है N, क्यों? थर्ड है क्या P लंबवत है L, क्यों? तो ये तीनों प्रश्न किस तरह से करेंगे देखो, तो देखो छठवां प्रश्न कैसे करेंगे हम। पहले में क्या पूछा है हमें, क्या M समांतर है N और क्यों? तो हम पहले में लिखेंगे, पहला पॉइंट डालकर हम इसमें लिखेंगे हाँ, ठीक है, M समांतर है N के, ठीक है, उसके लिए हाँ, क्योंकि संगत कोण बराबर हैं। रीजन है क्योंकि संगत कोण बराबर हैं, ठीक है। देखो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में क्या पूछा है, क्या L समांतर है N के, तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे हाँ, क्योंकि L समांतर है M और M समांतर है N, ठीक है, और N भी समांतर है L समांतर है, यहाँ पॉइंट डाल के L समांतर है N के, ठीक है। उसके बाद तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, क्या P लंबवत है L, क्यों? उसके लिए भी हाँ, P लंबवत है क्योंकि क्योंकि P MN पर लंब है और L भी समांतर है, ठीक है। इस तरह से तीनों पॉइंटों के लिए लिख लेंगे। तो देखो इसी के साथ आपकी अभ्यास 9B समाप्त हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।